आज हम देखेंगे मैक्सीडी की सीरीज द स्किबिडी सागा और कंटिन्यू करेंगे एपिसोड 6 से, जहां पे अलायंस के सभी मेंबर्स टॉयलेट्स के खिलाफ लड़ रहे हैं और सभी बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। तभी हम साइंटिस्ट टॉयलेट को देखते हैं जो कि पोर्टल्स खोलकर बाकी टॉयलेट्स को भी ले आता है, और देखते ही देखते टॉयलेट्स का पलड़ा भारी हो जाता है और ये सारे अलायंस मेंबर्स को जान से मारने लगते हैं। तभी सीन कट होता है और हम हेडक्वार्टर्स का नजारा देखते हैं, जहां पे कैसेट मैन इन सभी को एक मरे हुए कैमरामैन की मेमोरीज दिखा रहा है जो इन्हें अपने देश में मरा हुआ मिला था, जिसे देखकर इन्हें पता चलता है कि ये सारे टॉयलेट्स कभी इंसान हुआ करते थे और इन हार्डवेयर हेड्स यानी कैमरा स्पीकर टीवी मैन लोगों को भी इंसानों ने ही बनाया है। यानी वो इंसान चाहते थे कि हार्डवेयर हेड्स इंसानों की मदद करे, वायरस का एंटीटोड ढूंढे, लेकिन ये हार्डवेयर हेड्स इसका उल्टा टॉयलेट्स को क्योर करने की जगह उन्हें ऑन साइट मारने लगे। बेसिकली कैसेट मैन कहना चाहता है कि टॉयलेट्स दुश्मन नहीं है, वो बस इन्फेक्टेड इंसान है जिन्हें सही करना होगा। लेकिन तभी अलायंस को बाहर आने की नोटिफिकेशन मिलती है और ये सब हॉल से बाहर निकलने लगते हैं। कैसेट मैन कहता है कि ये सब गलत हो रहा है, इसे रोकना होगा, लेकिन टीवी मैन कहता है तुम बाकी अलायंस को कन्विंस करने में नाकामयाब रहे। जिसके बदले कैसेट मैन कहता है तुम 4 बिलियन टॉयलेट्स को मार भी दोगे तो उसके बाद क्या होगा जब कोई इंसान ही नहीं बचेगा। लेकिन ये बात पूरी होने से पहले ही टीवी मैन स्पीकर के हाथों कैसेट के ऊपर गोली चलवा देता है, जिसके बाद अगले सीन में टाइटन कैसेट मैन सबको बताता है कि टॉयलेट्स भी कभी इंसान थे, वही इंसान जिन्होंने इन सभी हार्डवेयर हेड्स को बनाया। जो सुनते ही स्पीकर मैन लोग कतई क्रेजी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टाइटन स्पीकर मैन उदास खड़ा है। टीवी टाइटन का एक मैसेज आता है कि साइंटिस्ट लोग कैमरा टाइटन की मेमोरी चिप को रिकवर नहीं कर सके, इसलिए कैमरा टाइटन हमेशा के लिए जा चुका है। जो सुनते ही टाइटन स्पीकर मैन को गुस्सा आ जाता है और वो हेलुसिनेट करने लगता है, जहां वो कैमरा टाइटन से माफी मांगता है कि वो कैमरा को नहीं बचा पाया। लेकिन कैमरा कहता है बीते हुए कल को अपने आज की रुकावट मत बनने दे भाई, और इतना कहकर हेलुसिनेशन खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम मिनी टाइटन को देखते हैं जो कैमरा टाइटन को देखकर वेव करता है और एक हाई फाइव देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि टाइटन कैमरामैन हाई फाइव देता, पीछे से साइंटिस्ट टॉयलेट उस पे अटैक करके उसकी गर्दन तोड़ देता है और तभी मिनी टाइटन जाग जाता है। यानी ये सब एक डरावना सपना था। खैर डार्क स्पीकर मैन भी यहीं बैठा होता है और मिनी टाइटन से पूछता है कि वो भी टॉयलेट्स के दूसरे बेस पे हमला करने चलेगा या नहीं। मिनी टाइटन कहता है इस बार नहीं। डार्क स्पीकर रिप्लाई करता है कोई बात नहीं, वैसे भी अलायंस टाइटन स्पीकर मैन और तुम्हारे लिए कुछ अपग्रेड्स बना रही है और सभी मेंबर्स को ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जो उन्हें सूट करते हैं। मिनी टाइटन कहता है सुनने में बढ़िया है, लेकिन कैमरा टाइटन कैसा है। जो सुनते ही डार्क स्पीकर उदास हो जाता है और कहता है वो नहीं रहा। मिनी टाइटन गुस्से में बाहर निकलता है और कैमरा टाइटन को देखने जाता है, जहां उसे बस एक बेजान लोहे का ढांचा नजर आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैमरा और टीवी रेस टॉयलेट्स के दूसरे बेस पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन स्पीकर रेस इस हमले के खिलाफ है क्योंकि ये सब लड़ाई झगड़ा गलत है। लेकिन कैमरा और टीवी रेस को ऐसा लगता है कि स्पीकर्स को कैसेट मैन ने भटका दिया है, जबकि असलियत इसकी उल्टी है। और यहाँ पे सोच अलग होने की वजह से अलायंस एक दूसरे पर ही गुस्सा हो रहे हैं। खैर जो भी है, टीवी और कैमरा फैक्शन शाम होते ही रशिया निकलते हैं और मिनी टाइटन जाते जाते डार्क स्पीकर को कहता है वहां पर अपनी मरवा मत लेना। एपिसोड 7 की शुरुआत लड़ाई से होती है। यहाँ हर जगह तबाही मची पड़ी है। अलायंस के मेंबर्स रस्ते में आने वाले हर एक टॉयलेट को जान से मार के फैसिलिटी में अंदर घुसते जा रहे हैं, लेकिन तभी डार्क स्पीकर मैन के सर में कैसेट की बातें रिपीट होती हैं। ये टॉयलेट्स भी कभी इंसान थे और इन्हें मारना सही नहीं है, हमें एक सोल्यूशन की जरूरत है, लड़ाई की नहीं। तभी अगले सीन में हम साइंटिस्ट टॉयलेट को देखते हैं जो कि अपने बरेक्स को कॉन्टेक्ट करता है कि टीवी टाइटन काफी आगे बढ़ चुका है, जल्दी से मैन को डिप्लॉय करो। एपिसोड 8 में डार्क स्पीकर मैन कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी स्पीकर वुमेन उससे इंटरेक्ट करने लगती है, जिसको डार्क स्पीकर मैन काफी फीकी तरह से हैंडल करता है। अगले सीन में हम पॉली को टॉयलेट्स को मारते हुए देखते हैं, जहां इसे एक टीवी नजर आता है जो ऑपरेटिंग टेबल पे पड़ा था। पॉली जल्दी से टॉयलेट्स को दूर फेंकता है और बगल में पड़े रिमोट से इस टीवी को ऑन करता है। ऑन होते ही ये अपनी मेमोरीज की मदद से पॉली की रिवर्स स्पीच को सही कर देता है और बताता है कि इंसान
इंसानों ने ही इन सबको क्रिएट करा है। जिसके बाद ये अपना इंट्रो देता है, ये है नेओस। पॉली और नेओस दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने एक टॉयलेट आ जाता है जिससे लड़ने के लिए पॉली आगे बढ़ता है, लेकिन नेओस पलके झपकाते ही इस टॉयलेट को एयर फ्राई कर देता है और अपेरेंटली नेओस को भी टॉयलेट से नफरत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइटन टीवी मैन इन टॉयलेट्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा था। तभी इसे रोकने के लिए एंट्री होती है जी मैन की, जो कि काफी अपग्रेडेड है और इसके अटैक्स भी पावरफुल है। इवन टाइटन टीवी मैन को भी इसके खिलाफ लड़ने में परेशानी हो रही है, ये इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। टीवी टाइटन अपनी तलवार चार्ज करके इसके मुंह पे मारता है, लेकिन इसे खरोच भी नहीं आती। लाइक व्हाट द हेल ब्रो, आर यू किडिंग मी। एपिसोड 9 में टाइटन टीवी मैन जी मैन के ऊपर अलग अलग तरीके से टेलीपोर्ट होके हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जी मैन बार बार अपनी डिफेंसिव एबिलिटी इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है और ऑफेंसिव अटैक कर करके टाइटन टीवी मैन को इतना ज्यादा घायल कर देता है कि ये अब टेलीपोर्ट भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी ये जी मैन से हेड ऑन लड़ता रहता है। जी मैन टीवी टाइटन को ऑलमोस्ट जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है कैसेट टाइटन की, जो एक ही मुक्के में जी मैन का खोपड़ा तोड़ के रख देता है। जी मैन को बहुत गुस्सा रहा होता है, लेकिन तभी इसे साइंटिस्ट का मैसेज मिलता है कि लड़ाई छोड़ो, अलायंस को इनका बेस मिल चुका है, और ये तुरंत यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद कैसेट टाइटन टीवी टाइटन को वॉइस मॉड्यूल देता है, लेकिन इसे यूज करना नहीं आता, इसीलिए कैसेट खुद मदद कर देता है। टीवी पूछता है कि तुम तो टॉयलेट्स को मारने के खिलाफ थे ना, जहाँ कैसेट बोलता है नहीं नहीं, हम टॉयलेट्स को जरूर मारेंगे जो हमारे लिए मुसीबत है। हमारा मेन गोल है टॉयलेट्स को वापस इंसान बनाना और जिसने स्किबिडी वायरस बनाया था उसे जान से मारना। और इधर हमें पता चलता है कि टीवी रेस टेलीपोर्ट होने के लिए टेलीफ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, जो टीवी टाइटन का खत्म हो गया था, इसीलिए ये टेलीपोर्ट नहीं हो पाया। खैर, ये दोनों टाइटन यहाँ से स्किबिडी टॉयलेट के बेस की तरफ निकलते हैं। जिसके बाद एपिसोड 10 में हम देखते हैं अलायंस के मेंबर्स को, जो कि पहली बार नेओस से मिलते हैं। नेओस टीवी वुमेन की स्पीच सही करने की कोशिश करता है, लेकिन टीवी वुमेन को गुस्सा आ जाता है, जो कि ऑब्वियस है। इस तरह बिना पूछे वुमेन्स पे हाथ थोड़े लगाते हैं। लेकिन जब पॉली कहता है कि ये बंदा आसानी से स्पीच सही कर देगा, तब जाके टीवी वुमेन इसे अलाउ करती है और ये 2-3 सेकंड में इसकी भी वॉइस नॉर्मल कर देता है। जिसके बाद ये सब बढ़ते हैं एक कंटेनमेंट की तरफ और रस्ते में नेओस और स्पीकर वुमेन की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। जैसे ही ये सब कंटेनमेंट के सामने आते हैं, दरवाजा लॉक मिलता है, जो कि एक ऑडियो इनपुट की मदद से ही खुलेगा। और लकीली नेओस को पासवर्ड पता होता है, जिसको स्किबिडी लैंग्वेज में बोलकर ये दरवाजा खोल देता है, जिसके अंदर होता है साइंटिस्ट टॉयलेट। और ये अलायंस से कहता है कि जिन्होंने स्किबिडी वायरस बनाया, उन्होंने साइंटिस्ट की इंटेलिजेंस का भी गलत इस्तेमाल किया है, और ये लड़ाई जितनी चलेगी उतना सबका समय जाया होगा। और नेओस ने काफी बुरे काम करे हैं, लेकिन ये बातें पॉली को कन्विंस नहीं करती और ये साइंटिस्ट से लड़ने को कहता है, और साइंटिस्ट भी मान जाता है। और इन सब की लड़ाई काफी देर तक चलती है, जहां लास्ट में साइंटिस्ट नेओस को अपने रिमोट से ऑफ कर देता है और स्पीकर मैन और वुमेन को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी होती है मिनी टाइटन की हीरोइक एंट्री और ये बाकी दो टॉयलेट्स को मार के साइंटिस्ट टॉयलेट को चैलेंज करता है। लेकिन साइंटिस्ट कहता है बाहर और खतरनाक चीजें हैं जिन्हें अलायंस अकेले नहीं संभाल सकती, और इतना कहकर ये टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से जायंट कैमरा इसका टेलीफ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है और जायंट कैसेट इसे रिस्ट्रेन कर लेता है। जिसके बाद मिनी टाइटन इसे मारने ही वाला होता है, लेकिन टीवी वुमेन इसे रोक देती है, क्योंकि अपेरेंटली साइंटिस्ट टॉयलेट को इस लड़ाई के दोनों पहलू मालूम है और ये अलायंस के काफी काम आ सकता है। इसलिए मिनी टाइटन इसे छोड़ देता है और कैमरा वुमेन से जाके बुरे व्यवहार के लिए माफी भी मांगता है, और फाइनली ये दोनों गले लग जाते हैं। ऑलराइटी देन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।